सो हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वॉचिंग एएमयू स्टूडियोज एपिसोड। और आज मैं अपने लखनऊ के स्टूडियो में हूं क्योंकि दिसंबर खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है। तो पहले बात तो मैं आप लोगों सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने भी 2019 में मेरी वीडियोज को देखा और उनसे कुछ सीखने को मिला। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मेरी वीडियोज को देखा, मेरे काम को सराहा। मैं अपने क्लाइंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूं और आज मैं ये चार ऐसे फिल्टर आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाहता हूं। तो देखिए, मोबाइल से भी रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी कमर्शियल काम आप मोबाइल से रिकॉर्ड करके दोगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए खाली अगर आपको आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाहते हो, उसके बाद कंप्यूटर में डाल के उसको EQ करना चाहते हो, तो एक फिल्टर तो कम से कम आप लोग ले ही लो यार। इसको बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, ब्लो फिल्टर बोलते हैं इसको, एयर फिल्टर बोलते हैं। एक तरीके से देखा जाए कि माइक पे डायरेक्टली साउंड ना जाए तो वो भी एक तरीके का फिल्टर है। तो ये चार अलग अलग तरह के फिल्टर हैं, चार अलग अलग तरह की इसकी थिकनेस है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास जो चार जो मैं एक्चुअल में यूज करता हूं अपने मोबाइल्स के लिए, अपने रिकॉर्डर्स के लिए, तो मैं भी आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से यूज करता हूं। ये एक तरीके का फिल्टर है, ये अलग 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 एमएम के एमएम बोले तो बेसिकली मिलीमीटर्स के चौड़े होते हैं ये। और ये एक मेरे पास फिल्टर है जो बहुत पतला है, ये मैं अलग अलग साउंड के लिए यूज करता हूं, अलग अलग जगहों पे यूज करता हूं। तो जैसे कि अगर मुझे कभी कभी देखिए, ये मेरा कंडेंसर माइक्रोफोन है, ठीक है, और ये कंडेंसर माइक्रोफोन जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो ज्यादातर जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो रूम के अंदर इस्तेमाल, जो एकॉस्टिक रूम होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये रूम जो है ये पूरी तरीके से एकॉस्टिक है और ये यहां से साउंड बाहर नहीं जाता, बाहर का साउंड अंदर नहीं आता। सो ये भी एक तरीके का फिल्टर है। प्लस ये इससे मैं मेजर करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यहाँ पे एक लॉक होता है जो ये माइक पे ही लग जाता है, तो इस तरीके से भी मैं इस्तेमाल करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे ये मेरे दो तरीके से काम आता है जब मैं इन फिल्टर्स का यूज नहीं करता हूं। तो एक तो ये मेजरमेंट सेट करता है मुझे कितनी दूर से बोलना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेजरमेंट सेट नहीं कर पाते, आगे पीछे आते जाते रहते हैं, तो ये उसके लिए भी है। प्लस ये इसका भी काम करता है, ब्लो फिल्टर का। कुछ जगहों पर मुझे इसको हटाना पड़ता है, इसको मैं हटा देता हूं और इस तरीके के फिल्टर माइक पे लगा देता हूं ताकि कुछ कुछ साउंड मुझे बहुत ही ज्यादा बेस साउंड चाहिए होता है। जब मुझको मेरी खुद का साउंड बेस साउंड में चाहिए होता है तो मैं ये फिल्टर लगाता हूं और थोड़ा सा एयर को यहां से निकलने देता हूं। साइड में मैं बोलने की कोशिश करता हूं कि हाय, मेरा नाम है अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं AMU स्टूडियोज। कुछ इस तरीके का साउंड कभी कभी आप लोग सुनते होंगे, जैसे HBO पे आपने मेरा साउंड काफी सुना होगा, एड्स में सुना होगा, एयरटेल के एड में सुना होगा, रिलायंस के एड में सुना होगा और कई सारी ऐसी होंगी, बजाज में आपने बहुत सुना होगा, बजाज डेफिनेटली मेल, इस तरीके के साउंड। मैं थक गया हूं क्योंकि मैं अभी सीढ़ी चढ़ के आया था। तो ये अलग अलग तरह के फिल्टर्स हैं और मैं आपको उनके रेट्स अगर आपको बताऊं तो ये वाला जो फिल्टर है ये महज आपको मिल जाएगा, ये जो 4 mm का बेसिकली ये फिल्टर होता है, ये हर माइक पे यूज नहीं होता है, कंडेंसर माइक पे यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इसको डायनेमिक माइक पे यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो साउंड क्वालिटी आपको फिर वो साउंड को काट के देगा। और मैं आपसे फिर कहता हूं, देखिए आपको, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए लेकिन जब आपको सॉफ्टवेयर में भी काम करना पड़ेगा। आप ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर में एक इफेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट, एक तरीके का वो भी काम करता है। ये आपके ब्लो को काटता है, जैसे फा भा, जब आप कभी आप बोलते हैं भारत तो भारत जब आप बोलेंगे तो आप मुंह पे हाथ रखे ऐसे बोलिएगा भारत, जब आप भा बोलेंगे तो देखिएगा एक साउंड आएगा, ठीक है, उसको साउंड को काटता है। जब आप बोलते हैं फूल फूल तो आप देखिएगा साउंड मुंह पे हाथ रखे कोशिश करिएगा, देखिएगा कि ये साउंड जो आपका फूल है वो उससे फा जो आएगा वो वर्ड, ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको ध्यान देना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग में। बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज वाले क्या करते हैं, उन्होंने फूल को फूल कर दिया है बहुत सारे गानों में, बहुत सारी जगहों पर। मैंने काफी टोका इन लोगों को कि भाई आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए और फूल को फूल मत करिए। और खैर, तो उसके लिए भी यूज होता है ये। फिर ये एक है, ये तकरीबन 2.5 mm का है, ये आपको मिल जाएगा मार्केट में 40 से 50 रुपए के आसपास का। ये सबसे पतला है लेकिन ये एक कंपनी है श्योर, ये उसको बनाती है, ये जो मिलता है ये फिल्टर। मेरे पास जो है ये मैं मोबाइल में इस्तेमाल करता हूं, मैं आपको दिखाऊं कैसे है।
ये मेरे मोबाइल के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। इसमें भी वही फिल्टर कट जाते हैं और आप इसको आप सामने से भी बोलेंगे तो आपके वो प्रॉब्लम सामने नहीं आएंगी। फिर अलग अलग तरह के हैं और ये जो फिल्टर है ये बेसिकली श्योर का है और श्योर कंपनी ने भी बनाना बंद कर दिया था। इत्तेफाक से मेरे पास में इसका पूरा बंडल एक रखा हुआ है और ये फिल्टर अपने आप में तकरीबन ये आता है 380 रुपए के आसपास का एक आता है और मेरे पास बहुत से लोग मुझसे खरीद भी लेते हैं तो मैं उनको बेच भी देता हूँ। 400 रुपए का मेरे पास मिलता है बहरहाल। और ये वाला जो मिलता है ये आपको मिलता है 40 रुपए से 50 रुपए तक का। मैं क्यों हाथ में लेके बात कर रहा हूँ। हाँ फिर और एक आता है, ये मैंने बताया ना 4 mm का है। ये भी तकरीबन ऐसे ही आपको मिल जाएगा 50 रुपए 60 रुपए के आसपास का। एक ये आपका 3 mm का आता है, ये जैसे आप देख रहे होंगे 3 mm बेसिकली जो इसकी कोर है, कोर नहीं सॉरी आउटर सर्किल जो है इसके जो थिकनेस एक होती है, जो ये थिकनेस होती है फोम की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एमएम के हिसाब से आता है ठीक है। और ये बहुत ही चूज करना पड़ता है माइक के हिसाब से, आप कौन सा माइक का कंडेंसर माइक यूज कर रहे हो, डायनेमिक माइक यूज कर रहे हो, कॉलर माइक यूज कर रहे हो, मोबाइल पर रिकॉर्डर पर यूज कर रहे हो। और मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, मेरे पास सबसे जूम का एक रिकॉर्डर है, बेसिकली मेरे पास जूम का H4N है, H1 है, H6N है, तो मैं अभी फिलहाल ये जूम का H4N के बारे में आपको बताता हूं। इसमें भी फिल्टर मैं लगा देता हूं, इसमें मैं डिपेंड करता हूँ कि कितने दूर से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कितने दूर से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो मैं वो छोटा वाला लगाऊंगा जो श्योर वाला है, और अगर मैं पास में रिकॉर्डिंग लगाऊंगा तो मैं इसको यू नो ऐसे लगा देता हूँ खींच के। लेकिन फिर उसके बाद में यहाँ ये अभी नया है तो थोड़ा टाइट है, हाँ ये लग गया, तो फिर यहां से भी मुझे मेरे वो ब्लो की जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद में कभी कभी फिर यहाँ पे मैं अगर ऐसा SM58 के साथ में अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं ये 3 mm का लगा देता हूं। लेकिन ये हर जगह लगता नहीं है, ये कुछ वोकलिस्ट ऐसे होते हैं जहां पे ये लगाया जाता है, जहां पे मैं लगाता हूं इसको, और प्लस ढोलक की जो ढप होती है, तबले की जो एक बेस साइड होता है उसमें मैं लगाता हूं इसको, और वोकल में भी रिकॉर्ड करने के लिए अगर मुझे आउटडोर में कहीं मुझे पता लगता है कि मुझे इंटरव्यू लेना है किसी का या मुझे वॉइस ओवर करना है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा चिल्लाना है और मुझे बहुत ज्यादा तेज आवाज में बात करनी है तो मैं इसको लगा देता हूं। लेकिन मैं डायनेमिक माइक से ज्यादातर रिकॉर्ड करता नहीं हूं, मेरा TLM 102 है, TLM 103 है नॉयमन के, मैं उस पर ज्यादातर वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करता हूं। और लखनऊ वाले स्टूडियो में मेरा श्योर का माइक लगा हुआ है, सॉरी रोड का माइक लगा हुआ है NT1, और ये मेरे पास में तकरीबन पिछले 2008 से, तो आप समझ लीजिए यानी कि तकरीबन 11 साल हो गया इस माइक को और इसमें आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, मुझे तो नहीं आई है। मैं वॉइस ओवर करता हूं इसमें, मैं गाने रिकॉर्ड कर लेता हूं, मैं जिंगल रिकॉर्ड कर लेता हूं, मैं सारी चीजें कर लेता हूं इसमें रिकॉर्ड। और मेरी सांस अभी भी फूल रही, मैं सीढ़ी चढ़ के आया था। फिर इस तरीके के गन माइक जो होते हैं, हम लोग जब कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम लोग यहाँ पे देखिए, आप इस तरीके से आपने कुछ स्टूडियोज में देखा होगा, जब एम्बियंस रिकॉर्ड करने वाली बात आती है तो बहुत सारे आउटडोर में ऐसे माइक से रिकॉर्ड होता है। ये आपका रोड का ही माइक है, इसका मैं मॉडल नंबर नीचे डाल दूंगा। ये तकरीबन 35,000 रुपए का मैंने लिया था, 35,000 का, और ये बहुत अच्छा काम करता है। और इस वक्त चूंकि मेरे पास वो स्टैंड मेरा मुंबई में है तो मैं यहां पर वो रिकॉर्ड नहीं करता हूं, लेकिन वो इस तरीके से लगता है। और इसके ऊपर का भी एक फिल्टर होता है, एक फोम टाइप का होता है, एक ब्लो फिल्टर जिसको मैं बोल रहा हूं वो होता है, तो वो भी यू नो और लगता है। प्लस इसमें एक बैटरी लगती है, सेल लगता है, तो ये यूज होता है। और कभी कभी जब आप इन फिल्टर्स के साथ में भी जोर जबरदस्ती जब आप करते हैं तो इन फिल्टर का ये हाल होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये फट गया, यहां से ये देख रहे हैं ये फट गया, तो ऐसा होता रहता है। अब 50 रुपए का फिल्टर लोगे तो क्या होगा यार, जाहिर सी बात है। फिर जो मेरे पास में ये फिल्टर है श्योर का, अगर कोई परचेज करना चाहे तो मुझसे ले सकता है, तकरीबन मेरे पास ये 400 रुपए का है। और ये फिल्टर के बारे में आपको मैं बात बताऊं ना, पहली चीज तो मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं होता और श्योर भी हर जगह इसको अवेलेबल नहीं कराता है। मेरे पास बेसिकली कुछ आउट ऑफ इंडिया से लोग आते हैं तो वो लोग लेके आते हैं मेरे लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरे लिए प्लीज पूरा बंडल लेके आना, क्योंकि ये तो खो जाते हैं, फट जाते हैं या यू नो बिक जाते हैं,
तो ये मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं अपने मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए, जो लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो पतला है ये, 1.5 mm का इसका आउटर एरिया है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके जो ये जो फिल्टर है, ये जो पूरा ये बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया गया है. अब मैं बहुत ज्यादा लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो बहुत अच्छा है भाई. मैं इतने सालों से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं इतने सालों से इन सारी चीजों को कर रहा हूं, तो मुझ पर भरोसा करो. खैर बहरहाल, और श्योर क्या, अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप लोग परचेज कर लेना. वैसे श्योर क्या ओरिजिनल आप पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम. प्लस मैं इसको कभी कभी कंडेंसर माइक पे भी लगा देता हूँ, देखिए इजिली लग गया एकदम. तो कैसे हैं आप? तो मैं इसी तरीके से रिकॉर्ड करता हूं, और यहां पे मैं अगर आपको बात बताऊं तो इस वक्त जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मेरा रेडमी नोट 7 प्रो मोबाइल है, और मैं डायरेक्टली उसके माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं. मैंने कोई भी माइक अटैच नहीं किया है, तो इस वक्त साउंड की आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी, लग रहा होगा कि जैसे कोई माइक नहीं है. बाकी फिर आप सारी चीजें जानते हैं मेरे बारे में, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं. अगर आपको एड्स रिकॉर्ड कराने हो, अगर आपको डबिंग करानी हो, अगर मैं खुद भी भाई आर्टिस्ट हूं, और मैं आपको एक बात बताऊं, फिल्टर, माइक्रोफोन, स्टूडियो, ये वो सारी चीजें आप सिर्फ एक जरिया मात्र हैं. आपका जो अंदर का कलाकार है ना, सबसे पहले उसको जगाना पड़ेगा आपको. अगर आप उसको ठीक से नहीं जगा पाए, उससे अगर आप बात नहीं कर पाए, तो माइक क्या कर लेगा? माइक वही रिकॉर्ड करेगा. अगर आप श्याम बोलोगे तो श्याम ही रिकॉर्ड करेगा, वो राम रिकॉर्ड नहीं करेगा. अगर आप गलत बोलोगे तो गलत ही रिकॉर्ड करेगा. अगर आप गलत बोलोगे तो गलत रिकॉर्ड करेगा. अगर आप जरूरत बोलोगे तो जरूरत ही रिकॉर्ड करेगा, वो जबरदस्ती का नुक्ता नहीं लगा देगा. और अगर आप जरूरत को सही तरीके से बोलना चाहते हो, जरूरत, तो जरूरत ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपको. आपको अपने साउंड में उस नुक्ते को लगाना पड़ेगा. अगर आप नहीं लगाओगे तो जाहिर सी बात है वो चीज रिकॉर्ड नहीं होगी. और ये एपिसोड भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझे. छोटी छोटी चीजें देखिए होती हैं इसमें, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है. और ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो आपके काम करती हैं. अब अगर मैं ठीक से आपको इसके बारे में आखिरी बार अब फिर आपको बताऊं, श्योर का 1.5 mm, ये लोकल है 4 mm का, ये 400 रुपए का है, ये 40 या 50 रुपए का है. ये 3 mm का है, ये भी आहुजा कंपनी बनाती है, लेकिन इस पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती, और ये भी तकरीबन 50 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का आता है. एक ये रेड आता है जो तकरीबन 3 mm का होता है, 3 mm से थोड़ा सा कम होता है, ये भी 50 रुपये के आसपास का आता है. आप मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाएगा, लखनऊ में अंबर मार्केट में अवेलेबल है, मुंबई में आप चले जाइए फोर्ट एरिया में, आप चले जाइए वहां पर आपको मिल जाएगा, दिल्ली में आपको कनॉट प्लेस पे मिल जाएगा. काफी सारे म्यूजिक शॉप्स जो होती हैं वो ये रखती ही रखती हैं, क्योंकि बहुत ही मैंडेटरी है माइक्स के लिए. सो आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा. मैं आपसे फिर आखिरी बार तो नहीं, मतलब इस एपिसोड में आखिरी बार एक बार और कहूंगा, आपसे बात कहूंगा, मशीनें काम नहीं करती, आपको खुद का कलाकार बनना पड़ेगा. अगर आप अपने कलाकार नहीं है अच्छे, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. फर्क तब पड़ेगा जब यहां से निकले हुए शब्द यहां सुनाई देंगे, और जो यहां सुनाई देंगे वही सबको सुनाई देगा. तो पहले खुद को अच्छा सुनाई देना चाहिए. अगर आप खुद से अच्छे सुनाई नहीं देंगे तो पता नहीं मैं क्या बोल गया हूं यार, लेकिन अगर मैं बोल गया हूं तो प्लीज मुझे अप्रिशिएट करिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल. मेरे चैनल पर एक बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, क्योंकि बेल आइकन पर अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो मेरे नोटिफिकेशन आप तक मिलेंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं, और आप लोग मैं कैसे बताऊं. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस साल का 2019 का आखिरी वीडियो है, होपफुली ये 31 दिसंबर को ये अपलोड हो जाएगा. तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और जितने भी नए उभरते हुए वॉइस आर्टिस्ट हैं, अगर वो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इन फिल्टर का यूज जरूर करो भैया, क्योंकि आपके साउंड में अगर भा फा फूल भारत ये सारे साउंड आ गए तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. और ये सारे साउंड आप, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सब सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीजें हैं. अगर आप खुद के अच्छे कलाकार नहीं है तो मजा नहीं आएगा. दाढ़ी बढ़ गई ना थोड़ी सी? हाँ यार, मेरी दाढ़ी सफेद भी हो रही है, वैसे मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे हैं. और प्लीज मुझे लाइक कीजिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. थैंक यू.